भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई, जबकि अब तक इस वायरस से 26 लोगों की मौत भारत में हो गई है। मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके चलते एक ही दिन में देश में सबसे ज्यादा 200 नए मामले सामने आए, जबकि 88 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर लॉकडाउन का आज 5वां दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन अब चिंता का सबब बन गया है। मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ में अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं। आपको बता दें, लोग जहां तहां फंसे हैं उनकी मदद में राज्य सरकारें उतर चुकी है और उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा भी जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बुजुर्गों को, जो अपने घर से दूर है और उनके लिए जरूरत का सामान जुटाना भी अब मुश्किल हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन दोनों ही राज्यों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मेरठ में भी एक ही घर के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस परिवार में एक शख्स महाराष्ट्र के अमरावती से लौटा है। इसके अलावा घर के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर टेकनपुर की बात की जाए तो एक BSF अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 50 अन्य BSF जवानों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। और लगातार देश भर से यहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जो बेहद ही एक चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। 200 से ज्यादा केसेस एक दिन में, सबसे ज्यादा केसेस कल सामने आया और इसके बाद में आंकड़ा बढ़कर 1000 के पार पहुंच गया। पूरे देश में कोरोना ने समय कहर मचा रखा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित वो बताया जा रहा है राज्य, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इस वायरस के पॉजिटिव मरीजों के अभी तक सामने आए हैं। 1000 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। भारत देश की अगर बात की जाए तो 26 लोगों की मौत भी इस वायरस के चलते अभी तक हो गई है। महाराष्ट्र और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। मेरठ में भी कल एक घर में 5 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, बेहद ही चिंताजनक विषय अब होता जा रहा है। 200 से ज्यादा केस एक दिन में यहां पर सामने आया, आंकड़ा बढ़कर 1000 पर पहुंच गया। क्या कहा जा सकता है कि जिस बात का डर था वही यहां पर होने वाला है? क्या इंडिया ने 3rd स्टेज में अब वहां पर एंटर कर लिया है, जहां पर चेन से यहां पर वायरस के फैलने का, संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा हो चला है? कम्युनिटी वायरस, जिस तरीके से कम्युनिटी संक्रमण की बात की जा रही थी कि 3rd स्टेज पर इंडिया नहीं पहुंचा है, लेकिन अब तक हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उसमें ये कहा गया है कि 24 घंटों में करीबन 200 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। और हालांकि इस बीच में एक अच्छी खबर ये है कि 87 जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से जो संक्रमित थे वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 1000 के आसपास जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसको कंट्रोल करना नाकाफी होगा। जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर या राजस्थान बॉर्डर के आसपास, यूपी बॉर्डर के आसपास लोग जमा हो रहे हैं, MP से यूपी आ रहे हैं, दिल्ली से यूपी बिहार लोग जा रहे हैं, दिल्ली से राजस्थान पहुंच रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है और ये जो संक्रमण है इनके जरिए बहुत ज्यादा संख्या में फैल सकता है। हालांकि यूपी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इन लोगों को जाने के लिए बसों की व्यवस्था की है अब, जबकि भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया उसके बाद। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अपील के बावजूद इन लोगों को रोका नहीं जा सका। जी। प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ तमाम सरकारें, केंद्र सरकार हो जाए या फिर किसी एक प्रदेश सरकार की बात कर ले, तमाम सरकारें मिलकर यही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को यहां पर लोगों के जहन में डाल दिया जाए, लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि घर में ही सुरक्षित है, घर के बाहर अगर एक भी कदम पड़ा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि लॉकडाउन को एक तरीके से लक्ष्मण रेखा ही समझा जाए। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरन अपने घरों से पैदल ही निकल पड़े। क्या उन लोगों के जहन में ये चिंता इस वक्त है और सोशल डिस्टेंसिंग को नकारा करते हुए जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, चूंकि अब तो सरकारों ने यहां पर उनके आने जाने की व्यवस्था माकूल कर दी है, लेकिन फिर भी एक साथ एक लोगों, इतने सारे लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना इस वायरस के लिए एक अच्छी खबर जरूर हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में ये कहा कि वो
लोगों लॉकडाउन करने के बावजूद लोगों को ये समझाने में कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई, समझने में चूक हो गई। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी कि लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, घर से बाहर निकल रहे हैं, सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, कुछ इलाकों में खाना नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर निकले, दिल्ली छोड़ने को मजबूर है, मुंबई छोड़ने को मजबूर है। ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, इमोशनल डिस्टेंसिंग जरूर वो बनाए रखे, जो लोग हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करते रहना है, उनका ख्याल रखना है। उनकी तरफ से ये कहा, उस डॉक्टरों से बात की हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में पेशेंट से बात की कि किस तरीके से उनकी केयर की गई, लेकिन बावजूद इसके ये जो इंतजाम किए गए हैं तमाम सरकारों की तरफ से लोगों के लिए जो है उनकी सुविधाएं ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही हैं। ये जिस तरीके से लोग जमा हो रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से जमा हुई, ये उसको बताते हैं। और कुछ अब जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कोरोना वायरस की, ये जो भीड़ जमा हुई ये बेहद घातक साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बिल्कुल। एक हफ्ते में जो 1000 का आंकड़ा है 2 से 3 हजार तक पहुंच सकता है। श्री, क्योंकि आपने यहाँ पर मन की बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री लगातार किसी ना किसी तरीके से जनता के टच में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 2 बार संबोधन पिछले कुछ दिनों में हो चुके हैं, आज भी संडे के चलते एक बार फिर से मन की बात के जरिए यहाँ पर लोगों को संबोधित किया, माफी यहाँ पर मांगते हुए नजर आए, कहा कि अभी परेशानी जरूर हो रही होगी लेकिन ये परेशानी कुछ दिनों की है, इसके बाद में जो आने वाला भविष्य है वो उज्ज्वल हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी, उन्होंने अपनी बात में भी कहा था कि जान है तो जहान है। क्या मुख्य बिंदु रहे आज उनकी मन की बात के, किस प्रकार से लोगों को और अधिक कन्विंस करने के और जागरूक करने के यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कोशिश की? प्रीत, देखिए जैसी जिस तरीके से डॉक्टर से बात की उन्होंने, एक नीतीश गुप्ता डॉक्टर थे जो कि जुड़े हुए थे, और तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं इलाज करने के साथ साथ उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि कोरोना वायरस का अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट की जान चली जाए इसमें इलाज के दौरान। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग भी एकमात्र तरीका है, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, उन्होंने डॉक्टर से बात करके, पेशेंट से बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। देशभर से आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव यहां पर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को जा रहा है। 1000 का आंकड़ा यहां पर अब कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या पार कर चुकी है, जो कि एक यकीनन एक चिंता का विषय बन चुका है।